नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष जरा हटके आपके साथ। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। हमारा ये नया चैनल आप लोगों के प्यार से दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए एक नई क्रांति की तरह ये चैनल अपना काम करेगा। यहाँ लॉजिक बताया जाएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आप ज्योतिष में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल का मोह त्याग नहीं पाएंगे, क्योंकि वाकई चीज़ें तार्किक होनी चाहिए। तर्क संगतता आज के यूथ की शक्ति है। आप अंधविश्वासी नहीं बन सकते, और अंधविश्वास निश्चित रूप से आपके लिए खतरनाक लेवल पर चला जाता है। अंधविश्वास के लोग पूर्णतया जीवन को नरक बना देते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे अंधविश्वास विश्वास से ही निकलते हुए पनप जाते हैं। तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, अंधविश्वास की तरह ही होती हैं। उसी में एक है टोकना। कहो फलाने कहाँ जात है यार, कोई चल रहा है अब पीछे से किसी ने टोक दिया, अब फलाने लगे गोड़ ओड़ पटकने अपना, वहीं चिल्ला चिल्ला के रे टोक दिए पीछे से जा रहा था। पिताजी भी हमारे इस चीज़ को बहुत समझते हैं, और आप लोगों से में से भी बहुत लोगों का अनुभव होगा इस चीज़ को लेके। तभी मैं आज इस विषय को लेकर आया हूँ कि इसकी पूरी सच्चाई और इसकी तहकीकात और इसका पड़ताल करो। इस तरह के विषय हम पहले भी लिए हैं। हमारा जो दूसरा चैनल है एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी वाला, उस पर बहुत सारे ऐसे विषय मिलेंगे। बिल्ली उल्ली का भी रास्ता काटना, इन सब में बहुत सारे पे हमने बहुत लॉजिकल पक्ष रखा है। तो आज जो हम टोक की कहानी बताने जा रहे हैं कि पीछे से टोकना, अगर कोई आपको टोक देता है तो उसके पीछे सच्चाई कितनी है। क्या है उसके पीछे की सच्चाई? सामान्यतया इस चीज को हम अंधविश्वास की श्रेणी में ला रहे हैं। मतलब यह है कहने का हो, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सामान्यतया इससे आपका भाग्य प्रभावित नहीं होता है। किसी के पूछ लेने मात्र से या आपके सही बता देने से या गलत बता देने मात्र से, जैसे आप बेटी की शादी की बात करने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, किसी ने अचानक से पूछा बाहर निकलते ही पड़ोसी में, क्या भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? आपने बता दिया कि बिटिया की शादी के लिए जा रहे हैं भाई, ऐसे ही लड़का देखना है ऐसे बगल में, ऐसे आपने बता दिया। तो अब शादी तय ही नहीं होगी। लकली अगर शादी तय नहीं होती है तो पड़ोसी के पूछने को आप दोष दे देते हैं। और एक बहुत प्यारा सा भाई सदृश रिश्ता टोक की भेंट चढ़ जाता है, टोक के बलि चढ़ जाता है, और आप दोनों में कटता आ जाती है। अब आप कटने लग गए। मान लीजिए पड़ोस में आपके मिश्रा जी रहते हैं, अब आप उनको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, स्पेशली जब आप बाहर निकल रहे हैं। अब आप कह भी नहीं सकते हैं कि अरे मिश्रा जी आपने टोक दिया, हमारी बेटी की शादी तय नहीं हो पाई, आप एडमिशन करवाने जा रहे थे वो हो गया, जमीन का सौदा लेने जा रहे थे सौदा बिगड़ गया, या कुछ। ये बाई चांस हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली हो सकता है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। देखिए सिद्ध करता हूं मैं। आप देखिए, सारा खेल मानसिकता का है, सारा खेल चंद्रमा का है, सारा खेल पंचम भाव का है, सारा खेल नवम भाव का है। ध्यान से समझिएगा, हम शादी के वो ही लेकर के आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि एक व्यक्ति अपने घर से अपनी बेटी के रिश्ते के लिए निकलते हैं,
मानसिक रूप से वो सेट है मन कि एक मांगलिक कार्य के लिए अगला जा रहा है, विवाह योग्य कन्या है, उसकी शादी के निमित्त घर से कदम निकाला, सोच में चल रहा है वो चीज, जहां जा रहा है वो चीज 24 सेकेंड हर पल दिमाग में वही चल रहा है, लड़का ऐसा होगा, घर ऐसा होगा, ऐसे हम खर्चा करेंगे, ऐसे हमारी बेटी सुंदर लगेगी, तमाम चीजें रिलेटेड टू दैट इवेंट वो दिमाग में चल रहा है। अचानक से, अचानक, ऑल ऑफ सडन, किसी ने पीछे से टच किया, आप बाइक पे बस बैठे ही थे तब तक वो आए सज्जन और ऐसे टच कर दिया। अरे उपाध्याय जी, गुप्ता जी, तिवारी जी, कहाँ चल रहे, बड़े बनठन के भाई, बस इतना ही। अब जिसने पूछा, उसके पूछने के समय उसके दिमाग में जो चल रहा होगा, जो उस पूछने वाले का जो इंटेंशन होगा, उसका प्रभाव शत प्रतिशत पड़ता है। जैसे मान लीजिए शुक्ला जी बैठे गाड़ी पर और उनके पिता, लड़की के दादू, वो पूछे अचानक, तो 99.9% जो दादू पूछे हैं तो वहां पर भाव सकारात्मक है। अच्छा 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 बेटा, अच्छा बिटिया के लिए जा रहे हो तुम देखने हैं लड़का, अरे वाह बहुत बढ़िया है, खूब आशीर्वाद, खूब शुभकामनाएं, परमात्मा खूब तुम्हें जो है तुम्हारी मनोरथ पूरी करे, तुम्हारा काम पूरा हो जाए। तो दादू का टोक, टोक थोड़ी ना है, दैट इज ए ब्लेसिंग। अब आप उसको भी मान लिए, अरे पिताजी आप भी ना, जब कहीं देखो नहीं यार, तो यहां पर आपकी निगेटिविटी का असर निगेटिव पढ़ना तय है। द रिएक्शन यू मेड दैट इज हार्मफुल टू यू, वो तुम्हारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, नुकसानदायक है, नुकसानदेह है। जबकि इस इंसिडेंट पर, टोक वाले विषय पर, टोक वाले सब्जेक्ट पर फर्क जो पड़ता है वो पूछने वाले के इंटेंशन से पड़ता है। पूछने वाला किस संदर्भ में पूछता है, किस तरह से पूछता है, उसकी मन स्थिति क्या है पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब कोई आपको कुछ टोकता है तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और सुपर पॉजिटिव रहिए। यकीन मानिए आपका हर एक काम बनेगा, पूछने वाले पर ध्यान ना दीजिए। और जब भी ऐसा कुछ मन में वहम आए, क्योंकि ये वहम ही है, मैंने इसको खारिज कर दिया कि ये अंधविश्वास की श्रेणी में आता है, और इसके दो पक्ष मैंने रखे, दोनों तार्किक पक्ष होते हैं, दोनों तार्किक पक्ष हैं, दोनों हमने रख दिया आपसे। जेठानी पूछती तो देख लीजिएगा जेठानी का भाव कैसा है, बड़ी बहन की तरह है तो सब सही है पटीदार की तरह तब सही नहीं है। तो जब भी कोई इस तरह से टोके और मन में वहम आए तो उस दौरान 3 बार नारायण 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 बोलते हुए और 1 गिलास पानी पी लीजिए, बस। सात्विक रहिए, पत्थर नुकसान करता है, पत्थर ना पहनिएगा, सब अच्छा होगा, परमात्मा सब कल्याण करेंगे। 11-12-13 तारीख को मिल सकते हैं हमसे आप पुणे में, और 14-15-16 तारीख को मिल सकते हैं आप डायरेक्ट मुंबई में। तब तक 10 तारीख तक हम गाजियाबाद में हैं। मुलाकात के लिए नंबर साहब के सामने फ्लैश हो रहे हैं, व्हाट्सएप करें, कॉल करें और अपॉइंटमेंट फिक्स करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।